Namaste. Welcome to question answer session of Wings Hospital. Dr. Jay Shamin here, director of Wings Group Hospitals. क्वेश्चन ये आ रहा है, प्रश्न ये आ रहा है कि एक डिसीज जो बहुत ही थोड़ा फैमिलियर हो रहा है, इट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस इज अ डिसीज इन द फीमेल इनफर्टिलिटी. और इसमें प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है कि हाउ कैन वी प्रोसीड इफ आई एम हैविंग अ अगर मेरे सोनोग्राफी के अंदर एंडोमेट्रियोसिस आ रहा है तो हमें क्या सोचना चाहिए. क्लियर कट गाइडलाइंस है एंडोमेट्रियोसिस में. अगर जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो साइज होती है, एंडोमेट्रियोसिस यानी कि मेंसिस की रिट्रोग्रेड, मेंसिस जो नीचे से आ रहा है वो मेंसिस रिट्रोग्रेड जाएगा, वो अंडेदानी के अंदर या बच्चेदानी के आजू बाजू जो पेरिटोनियम है उसमें स्पोर्ट्स हो गए, या ये अंडेदानी के अंदर मासिक की गठान, ब्लड की गठान हो जाएगी जिसे एंडोमेट्रियमा बोलते हैं. और वो जो ब्लड होता है वो जब ओल्ड हो जाता है तो उस चॉकलेट कलर का हो जाता है, उसलिए उसको चॉकलेट सिस्ट, क्योंकि ये गठान को सिस्ट बोलेंगे और चॉकलेट कलर का फ्लूड है तो उसको चॉकलेट सिस्ट बोलेंगे. स्पेशली ऐसा पाया गया है कि कैरियर ओरिएंटेड वर्किंग लेडी, स्ट्रेसफुलनेस, ऑल दिस थिंग्स, दिस फीमेल्स, ऐसी फीमेल्स उसमें एंडोमेट्रियोसिस ज्यादा पाया जाता है. नाउ एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा डिसीज है जिसको मैं हिंदी की भाषा में ऐसा बोलूंगा कि लक्कड़ खोद डिसीज है, यानी कि वो जो नॉर्मल चीजें होती है आजू बाजू की, अंडेदानी के अंदर जो नॉर्मल अंडे होते हैं उसको वो डैमेज करता है, वो टिश्यू को डैमेज करता है. तो ये बहुत ही हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप एंडोमेट्रियोसिस आपको डिटेक्ट हो तो व्हाट इज योर ओवेरियन रिजर्व, यानी कि आपका फर्टिलिटी पावर क्या है वो देखना पड़ेगा. और वो आप AMH या सोनोग्राफी, महावरी के दूसरे या तीसरे दिन की सोनोग्राफी या AMH टेस्ट, दोनों से आप गायनेकोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके उसका एक दौरा ले सकते हो. एंडोमेट्रियोसिस के मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि वो अंडे की क्वालिटी तो बिगाड़ता ही है, और साथ साथ मैं ऐसा कहूंगा कि इम्प्लांटेशन रेट भी वो डिक्रीज करता है. तो ऐसे कंडीशंस में मेरा ये कहना है कि एग्रेसिव मैनेजमेंट इज द आंसर, यानी कि वो डिटेक्ट होने के बाद आपको प्रेगनेंसी रुकने की जो तैयारियां हैं, प्रेगनेंसी आपको जल्दी रुकने के लिए आपको ट्राई करना है, और प्रेगनेंसी इज द फ्यूचर ट्रीटमेंट इसकी बोल सकते हैं. मैं ऐसा कहूंगा कि सर्जरी इज ओनली इंडिकेशंस इफ पेन इज देयर. अगर पेन है तो ही आप सर्जरी करवाइए, इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी कराने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन हैव अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जैसे कि आप अगर यंग हो, 30 साल से कम उम्र में आपका AMH अच्छा है तो आप 2 से 3 IUI करवा सकते हैं. और अगर आपका AMH कम है और आपकी उम्र ज्यादा है, 5 से 7 ज्यादा साल का आपका वंदित्व है और एसोसिएटेड मेल फैक्टर बहुत डोमिनेंट है, तो ऐसे कंडीशन में IVF इज द आंसर. और ऐसे कंडीशन में स्ट्रेटजी वही है, Day 5 फ्रीज ऑल एम्ब्रियो इज द ओनली आंसर देन टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स. तो हम ऐसा बोलेंगे Day 5 ट्रांसफर और फ्रीज ऑल. सो मेरा आज का जो मैसेज है कि एंडोमेट्रियोसिस में नो सर्जरी, मीन्स इफ पेन इज नॉट देयर देन नो सर्जरी, एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, यानी कि आपको जल्दी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने के लिए मैं बोलूंगा, रदर देन टू यू टू डू सर्जरी हैविंग अ पेन ऑफ सर्जरी एंड देन देयर इज नथिंग इम्प्रूवमेंट इज बेटर. बहुत ही अच्छा है कि आप सर्जरी ना करवाए जब तक पेन ना हो, और आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट फास्ट करवाइए, ये मेरा कहना है. थैंक यू.